जब दिनकर जी ने 62 में लिख दिया कि छागियो करो अभ्यास रक्त पीने का, तो किसी ने उनसे कहा कि आपने ऐसी बात लिख दी। तो दिनकर जी ने कहा कि हम चीन से हारे हैं सरकारों की असफलता के कारण, मैं कांग्रेस में हूं, राज्यसभा में हूं, मैं ये पंक्ति लिखकर मरना चाहता हूं ताकि 200 साल बाद हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाए तो लोग लिखे कि सब चुप हो गए थे लेकिन एक कवि को गुस्सा चढ़ा था कि हम गलत हारे हैं। पद्म विभूषित हुए जा रहे, पद्म विभूषित हुए जा रहे कोरस में गाने वाले। एक कविता सुनिए, पॉलिटिक्स पोइट्री, राजनीति और कविता सदा से रहिए, ऐसा ही रहा है, ऐसा ही रहेगा और इसी में खुश हैं यार, मजे में हैं। सुनिए, किस साथ रहो तो सबसे बेहतर। आजकल आप राम पर बोल रहे कुमार जी, बहुत अच्छा लग रहा है, सारी पार्टियां ये चाहती हैं। कि साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है, सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है, सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए। मुझे वादा करें नए लिखने वाले जितने लड़के लड़कियां हैं, किसी की सरकार हो, किसी की बदतमीजी हो, पहला शेर तुम्हारे हवाले से आना चाहिए उसके खिलाफ, तब बात होनी चाहिए। सच के लिए लड़ो मर जाओ, जग को सिखलाने वाले, आत्ममुग्ध बौने स्वराज का परचम फहराने वाले, आत्ममुग्ध बौने स्वराज का परचम फहराने वाले, हमको बच्चा समझ रहे हैं जग को बहलाने वाले, शॉल ओढ़ कर घी पीते हैं त्यागी कहलाने वाले, शॉल ओढ़ कर घी पीते हैं त्यागी कहलाने वाले, इतने हल्के हैं कहते हैं, इतने हल्के हैं कहते हैं, हमें नहीं तोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए। सिंहासन के आगे नत शिर जुड़े हाथ जाने वाले। जब दिनकर जी ने 62 में लिख दिया कि छागियो करो अभ्यास रक्त पीने का, तो किसी ने उनसे कहा कि आपने ऐसी बात लिख दी। तो दिनकर जी ने कहा कि हम चीन से हारे हैं सरकारों की असफलता के कारण, मैं कांग्रेस में हूं, राज्यसभा में हूं, मैं ये पंक्ति लिखकर मरना चाहता हूं ताकि 200 साल बाद हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाए तो लोग लिखे कि सब चुप हो गए थे लेकिन एक कवि को गुस्सा चढ़ा था कि हम गलत हारे हैं। अगली पंक्ति रेखता के मंच के मर्यादा के अनुकूल नहीं है। रेखता जितना सोफिस्टिकेटेड मंच है, जितना शालीन मंच है, उसके अनुकूल नहीं है। लेकिन मुझे माफ कर देना कि 300 साल बाद लिखा जाए कि कुमार विश्वास को गुस्सा आया था और उसने इन हजारों लोगों के गुस्से को एक पंक्ति में गाया था, तो उन्होंने समर्थन किया था। सुनना, कि सिंहासन के आगे नत शिर झुके माथ जाने वाले, गिरवी जिभ्या से शासक की कुंठा सहलाने वाले। चमचागिरी की ये हद, सर को इतना भी ना झुकाओ कि दस्तार गिरे। ये पंडाल जो लगाया है रेखता ने, ये 1 इंच ऊंचा हो जाएगा अगली लाइन पर। गिरवी जिभ्या से शासक की कुंठा सहलाने वाले, पद्म विभूषित हुए जा रहे, पद्म विभूषित हुए जा रहे कोरस में गाने वाले।
पद्म विभूषित हुए जा रहे कोरस में गाने वाले, राजद्रोह में बंद पड़े हैं भैरव गुंजाने वाले। राजद्रोह में बंद पड़े हैं भैरव गुंजाने वाले। करो प्रार्थना, करो प्रार्थना, करो प्रार्थना, राजमहल तक वाणी का शोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह के। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया जश्न रेखता, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास, लव यू, थैंक यू।